मोदी है तो मुमकिन है, बन गया है वैश्विक मंत्र। यूपी में भाजपा कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को शुरू हुई। बैठक के उद्घाटन सत्र से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजेता के रूप में कार्य कैसा होना चाहिए यह भाजपा अच्छी तरह से जानती है और करती भी है। रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए हमने अपना विजेता भाव बरकरार रखा। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य करना है, यह उत्साह और उमंग फिर हमारे सामने है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के जरिए पहली बार देशवासियों ने आजादी के उत्सव का रोमांच महसूस किया। भारत पर 200 वर्ष तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कोरोना काल में जब विश्व की महाशक्तियां पस्त थी तो भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ता रहा। मोदी है तो मुमकिन है आज भारत का ही नहीं वैश्विक नारा बन गया है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना है, इसका उदाहरण है यह आयोजन। दुनिया के सामने देश और प्रदेश को अपना सामर्थ्य दिखाने का बड़ा मौका है। भाजपा ने अपने आदर्शों और मूल्यों से डिगे बिना आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंच प्रणों पर काम करना शुरू किया है। योगी ने प्रदेश में मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों का उल्लेख करते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास का भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि भाजपा अकेली पार्टी है जो कहती है देश पहले, पार्टी हित बाद में और व्यक्तिगत हित सबके बाद।